अनीता किचन। आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही पॉपुलर इंडियन समर कूलर की रेसिपी। अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल रेसिपी छाछ, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तरह की छाछ बनाना सिखाऊंगी, जिसमें रहेगी मसाला छाछ, स्मोकी छाछ और रेगुलर छाछ। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन द रेसिपी। मसाला छाछ बनाने के लिए लेंगे धनिया, पुदीना, जिंजर, ऐड करेंगे डिसीटेड चॉप्ड हरी मिर्च, दही, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ब्लेंड करने के लिए। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड हो गया, अब इसको छान लेंगे। अब स्मूथ टेक्सचर रेडी हो गया छाछ का। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, जैसे कि स्पाइसी छाछ है तो ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। छाछ चिल्ड ही अच्छी लगती है, इसलिए बहुत सारी आइस ऐड करेंगे। स्प्रिंकल करेंगे जीरा पाउडर और गार्निश करेंगे इसको पुदीना लीफ से। अब हम बनाने जा रहे हैं स्मोकी छाछ, जिसके लिए मैं ऐड करूंगी दही, ऐड करेंगे पानी, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, इसको ब्लेंड करेंगे। डालेंगे आइस और छाछ। अब हम इस छाछ की करेंगे टेम्परिंग। इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे बस। ऐड करेंगे जीरा, राई, कड़ी पत्ता, और इसको छाछ में ऐड करेंगे। अब इसको स्मोकी बनाने के लिए हम एक कोयले के टुकड़े को जलाएंगे गैस पर। कोयला जल गया, अब इस पर डालेंगे बहुत थोड़ा सा घी अच्छा फ्लेवर देने के लिए। अब इसको रखेंगे छाछ में, इसको ढक देंगे, जिससे कि सारे स्मोक का फ्लेवर छाछ में आ जाएगा। 2 मिनट्स हो गए हैं, अब ये स्मोकी छाछ भी रेडी है। इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बनाने जा रहे हैं रेगुलर छाछ, जो डेली यूज में हमारे घरों में बनती है। इसके लिए मैं डालूंगी दही, सॉल्ट, सॉल्ट, पुदीना पत्ती, भुना हुआ जीरा, 1 ग्लास वाटर। इस सबको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आइस, फ्रेंड्स, आप कभी भी आइस मिक्सी में ब्लेंड करते हुए ना डालें, नहीं तो आपका छाछ के ऊपर पूरा बटर आ जाएगा। ये हमारा रेगुलर छाछ रेडी है। स्प्रिंकल करेंगे जीरा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और गार्निश करेंगे पुदीना पत्ती से।
फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो इसकी पिक्स मेरे साथ फेसबुक, इंस्टा और स्नैपचैट पर शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।